अभी थोड़ी देर पहले मेरे को पता चला कि कोई कांग्रेस का कारपेंटर पर्पजली बोल के इनको उठा के ओरो में बिठाओ बोल के कांग्रेस का कारपेंटर बोलता है, अभी मेरे को इतला मिला है। मैं कारपेंटर को पूछना चाहता हूँ, उसके घर में भी माँ बहन अगर होंगे ना, मेरी माँ तो भी उसकी भी माँ हो सकती, रेस्पेक्ट देना एक माँ को। वो कारपेंटर को नहीं मालूम है, आज जो कारपोरेशन ऑफ स्टोन हॉल में जो बेइज्जती किया गया है मेरे माँ को, वार्ड नंबर 16 के आवाम जिता के भेजे, हम कोई खेल लेते हैं वहाँ पे आके नहीं बैठे। वो कौन सा कारपेंटर बात करता है, उनको उठा के उधर बिठाओ। अगर वो कारपेंटर के अंदर अगर इंसानियत है, उसके घर में भी अगर माँ बहन है, तो उसको शर्म आना चाहिए। नाम अभी तक आया नहीं सामने, नाम आएंगे इंशाल्लाह मैं आपके बीच नाम लाऊंगा। मैं किसको डर के बात करने वाला इंसान नहीं हूँ, प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार हूँ बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ। कॉर्पोरेशन कमिश्नर को बोलता हूँ, मेयर को भी बोलता हूँ, साउथ के एमएलए को भी बोलता हूँ, नॉर्थ के एमएलए को भी बोलता हूँ, इसके ऊपर अब एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मैं मेरे वार्ड के आवाम से मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं शर्मिंदा हूँ लोगों से, मैं मजबूर हूँ। डेली मेरे को 10 फोन आते, मासूम बच्चों को कुत्ते काटे, ये ऑफिसरों को शर्म नहीं आ रहा, शर्म आना चाहिए इनको। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अल हिदाया हज एंड उमरा सर्विसेज, सूरत खजाना, एंड बाय महाराजा रेस्टोरेंट बिसाइड APFC कमानगंज। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज गुलबर्गा के अंदर महानगर पालिके का जी मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग, 4 साल के बाद में आज गुलबर्गे के महानगर पालिके के अंदर जनरल मीटिंग को आज बुलाया गया है सब कॉर्पोरेटर्स को। आज सवेरे 11 बजे वार्ड नंबर 16 के कॉर्पोरेटर मेरे वालदा श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, मैं मेरे वालदा के साथ मैं आज टाउन हॉल गया था। टाउन हॉल में जाते ही वहाँ के कॉर्पोरेशन के स्टाफ से मैं ये पूछा कि कारपेंटर्स कहाँ पे बैठना है और मेरे वालदा को कहाँ पे बिठाना है, तो कॉर्पोरेशन के स्टाफ ने बताया सब वार्ड नंबर वाइज नाम वाइज कौन सा भी इस बार हम लोग व्यवस्था नहीं करें, आप कहाँ पे भी बैठ सकते हैं बोल के उन्होंने परमिशन देने के बाद में मैं मेरे वालदा को फ्रंट रो के अंदर मैं उनको बिठाया हूँ, बिठा के मैं बाहर आया था। फिर कॉर्पोरेशन के स्टाफ जो है उनको वहाँ से उठा के दूसरे तरफ रो में बिठाने का बोलते हैं, फिर उन्होंने उठ के उनके पैरों में दर्द था, फिर उठ के उन्होंने दूसरे रो में जाके बैठे। मैं आज पूछना चाहता हूँ महानगर पालिके के कमिश्नर साहब को और मेयर साहब को, हर टाइम जो जी टाउन हॉल के अंदर जो मीटिंग्स होते हैं वहाँ पे वार्ड वाइज एक एक रो के अंदर आप लोग लिख के रखते थे, आज वो काम नहीं हुआ है वहाँ पर। नए होने के वजह से आज वहाँ पे जिसको दिल में कहाँ आना कहाँ बिठाना वहाँ बिठाने का काम आज कॉर्पोरेशन के स्टाफ जिसके डायरेक्शन पे कर रहे हो वो पता नहीं चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को पता चला कि कोई कांग्रेस का कारपेंटर पर्पजली बोल के इनको उठा के ओरों में बिठाओ बोल के कांग्रेस का कारपेंटर बोलता है, अभी मेरे को इतला मिला है। मैं कारपेंटर को पूछना चाहता हूँ, उसके घर में भी माँ बहन अगर होंगे ना, मेरी माँ तो भी उसकी भी माँ हो सकती, रेस्पेक्ट देना एक माँ को। वो कारपेंटर को नहीं मालूम है, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ कौन सा कारपेंटर बोला है, बहुत जल्दी उसका अगर नाम भी अगर सामने आएगा इंशाल्लाह आपके बीच वो नाम भी मैं ऐलान करूँगा। यहाँ पे भी सियासत करना चाह रहे कांग्रेस के कारपेंटर्स, पता नहीं क्या रीज़न है। मैं थोड़े इश्यूज उठाने के लिए कल रात में मेरे वालदा के साथ में मैं बैठा था जीबी मीटिंग के अंदर, जो जो इश्यूज़ को आपको बात करना है वो इश्यूज़ मैं मेरे वालदा को मैं बताया था। उनको डर कहीं यू नो इश्यूज़ उठाएंगे, कहीं ना कहीं मीटिंग को जीबी को डिस्टर्ब होगा बोल के ये पर्पजली इनको क्या है यहाँ से उधर बिठाए तो इन्हों गुस्से में आके चले जाते होंगे बोल के हम बायकॉट करके आज मीटिंग को मैं बायकॉट करके मेरे वालदा को लेके मैं बाहर आया हूँ। मैं कॉर्पोरेटर नहीं हूँ, मेरे वालदा कॉर्पोरेटर है, मेरा हक नहीं बनता कि वहाँ जीबी के अंदर बात करने के लिए। मैं उसलिए बाहर आके उसके सोशल मीडिया के जरिए आज वहाँ पे भी बात किया हूँ, आज सोशल मीडिया को यहाँ पे मैं प्रेस मीट करने के लिए आज मैं लोकल सोशल मीडिया वालों को भी यहाँ पे बुलाया हूँ आपके ज़रिए। ये जो कॉर्पोरेशन का जो जीबी
मीटिंग जो हुआ है इसके जिम्मेदार कॉरपोरेशन के कमिश्नर और प्रेजेंट जो मेयर है वो मेयर उसके जिम्मेदार हो सकते हैं। ये जो सिस्टम चल रहा है ये सिस्टम पूरा बिगड़ गया कॉरपोरेशन का। देखो अभी 15 फाइनेंस का जो 23 करोड़ रुपए जो कॉरपोरेशन को फंड आया, मैं कई बार ये लोगों को मैं मेयर को मिला हूँ, कमिश्नर साहब को मिला हूँ, 4 साल हो गए एक भी जीबी मीटिंग नहीं हुआ, हर एक वार्ड के अंदर भी डेवलपमेंट नहीं है। आप हर वार्ड में 55 कॉरपोरेटर्स के वार्ड में आप एक फंड फिक्स करके वो फंड रिलीज करिए, आवाम के बीच काम करने के लिए हमको भी एक मौका मिलता है बोल के मैं कई बार ये इश्यूज़ में मैं बात किया हूँ। जब मेयर अभी 5-6 महीने के ऊपर हो गए मेयर आके, उसके बाद में भी मेयर साहब इसको सीरियसनेस नहीं ले रहे, कमिश्नर साहब भी सीरियसनेस नहीं है, गुलबर्गे का हुकूमत, यहाँ पे कर्नाटक का हुकूमत, आज कांग्रेस का गवर्नमेंट है, आज जिला उस्तारी मंत्री साहब को भी मैं आपके चैनल के जरिए पूछना चाहता हूँ, प्रियंका खड़गे साहब को, आज 6 महीने हो गए सरकार आके, 4 से 5 महीने आप लोग हुकूमत में आए, आज कॉरपोरेशन के अंदर जो बजट लाया गया है वो बजट को इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं लोग, उनके जॉब भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे, आवाम का खिदमत करने के लिए लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार हूँ बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ, कॉरपोरेशन कमिश्नर को बोलता हूँ, मेयर को भी बोलता हूँ, साउथ के एमएलए को भी बोलता हूँ, नॉर्थ के एमएलए को भी बोलता हूँ, इसके ऊपर अब एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। देखो जी जब इलेक्शन मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन होता उस टाइम पे बहुत सिस्टमेटिक काम करने वाले, वार्ड नंबर रहेगा, कारपेटर का नाम रहेगा वो सामने रो के अंदर जो बेंच के ऊपर। आज जीबी मीटिंग 4 साल के बाद जो जीबी मीटिंग हो रहा है ये कोई मजाक वाला मीटिंग नहीं, ये गुलबर्गे के आवाम का मीटिंग है, गुलबर्गे के आवाम को इंसाफ देने का मीटिंग है, 4 साल का लूटी करे सो ये मीटिंग है, उसके अंदर पॉइंट है कोविड के अंदर जितना पैसा इन्होंने लूटी करे उसका हिसाब किताब पूछने का ये मीटिंग के अंदर हक बनता है कारपेटर को। आज वो पूछने के लिए बीजेपी के कारपेटर्स भी ट्राई कर रहे हैं, जेडीएस वाले भी ट्राई कर रहे हैं, कांग्रेस के कारपेटर ट्राई कर रहे हैं, इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हुकूमत में क्यों बैठे आप, खाने के लिए पैसा खाने के लिए बैठे, आवाम तुमको जिता के एक पावर में बिठा है वो खिदमत करने का सीखिए पहले आप। मेरे वार्ड नंबर 16 मेरे वालदा जो कारपेट रहे हमारे वार्ड का ही 2 महीने से कुत्तों का जो तकलीफ चल रहा है, मैं मेरे वार्ड के आवाम से मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं शर्मिंदा हूँ लोगों से, मैं मजबूर हूँ, डेली मेरे को 10 फोन आते, मासूम बच्चों को कुत्ते काटे, ये ऑफिसरों को शर्म नहीं आ रहा, शर्म आना चाहिए इनको। अरे उनके भी बच्चे हो सकते, कल के दिन रोड पर जा सकते, कोई कुत्ता पकड़ेगा उनको भी, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अल हिदाया हज एंड उमरा सर्विसेज, सूरत खजाना, एंड बाय महाराजा रेस्टोरेंट बिसाइड एपीएफसी कमानगंज।